मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से करीब 12 किलोमीटर दूर रावणबंदी और पायली गांव की ऊंची पहाड़ियों में विराजित मां ज्वाला देवी के दर्शनार्थ इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं काफ़ी चढ़ाई कर ऊंचे इन पहाड़ियों में पहुंच रहे हैं। अष्टमी के नज़दीक आते ही यहां भक्तों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इन दिनों यहां आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों को करीब 842 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बावजूद क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी में जबरदस्त उत्साह बना हुआ रहता है। यहाँ माँ के ज्वाला से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की अर्जी लगा रहे हैं। लेके भाग जाएगी। चट्टानों में विराजमान मां ज्वाला देवी के प्रति अटूट श्रद्धा देखते ही बनती है। मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि जब भी भरवेली पायली रावणबंदी और आसपास के गांव में कोई भी विपदा आती है तो ग्रामीण सीधे मां के दरबार में झोली फैलाए दौड़े चले आते हैं और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। इन्होंने बताया कि भले ही कोई उनकी बातों का भरोसा ना करे मगर माँ इन सबकी मनोकामना को हमेशा पूरा करती है। कहा जाता है कि माँ ज्वाला देवी का यह मंदिर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इसे किसी ने भी नहीं बनाया है। जब इसे कुछ पुराने बुजुर्गों ने देखा तो इसे धार्मिक स्थल के रूप में बनाया गया और यह पहाड़ पर स्थित है। चट्टानों की गुफाओं में विराजमान इस माँ ज्वाला देवी के मंदिर में करीब 295 ज्योति भी कलश प्रज्वलित किए गए हैं।